हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए और आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो हमारी फेस स्किन को सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई भी वेदर हो, कोई भी एज हो। और इसको करने के लिए हम क्लीन अप या फिर किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाके पैसे खर्च नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास होते ही नहीं है टीन एज में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिंपल 5 स्टेप्स बताने जा रही हूँ, जिनको आप घर पर फॉलो करके अपनी स्किन को पैम्पर कर सकते हैं, ग्लोइंग कर सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप घर बैठे बैठे अपने फेस को पैम्पर कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, वो भी बस सिंपल 5 स्टेप के साथ में। और आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आप घर बैठे बैठे अपने फेस को अच्छे से डीप क्लीन कर सकते हो, वो भी सिंपल 5 स्टेप के साथ में, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिना टाइम वेस्ट करे चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, वो भी घर पर 5 सिंपल स्टेप्स के साथ में। Now many people will ask me why cleanup is important और इसका क्या रोल है और हमें क्यों करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि क्लीनअप वगैरह, स्किन केयर वगैरह टाइम वेस्टेज है। कई लोगों को मैंने सुना है कि ये क्या आलतू फालतू काम कर रहे हो, क्या क्या प्रोडक्ट लगा रहे हो और इतना सारा लगाने से स्किन खराब हो जाती है, ये वो। बट क्लीनअप से हमारे स्किन से डेड स्किन रिमूव होते हैं, हमारे बैक्टीरिया जो भी है वो दूर रहते हैं फेस से, और उससे हमारी स्किन ग्लोइंग साफ सुथरी रहती है। तो इसलिए क्लीनअप करना फेस का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम बैक्टीरिया से अपनी स्किन को दूर रख सके, इसलिए हमें क्लीनअप करना चाहिए। और मैं आप सबको यही बोलूँगी, अपने स्किन के अकॉर्डिंग, जैसी आपकी स्किन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्किन केयर रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करो, ताकि आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सको, ग्लोइंग रख सको। सो चलो देखते हैं 5 स्टेप जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपको अपना मेकअप बिल्कुल रिमूव कर लेना है। मेकअप रिमूव करने के बाद आपको अपने फेस वॉश के साथ में अपना फेस क्लीन करना है। तो आपके फेस के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करता है फेस वॉश, उसके साथ आप अपना फेस क्लीन करो। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एवरयूथ का नीम फेस वॉश, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा सूट होता है। हिमालय नीम फेस वॉश और ये वाला, मेरे को दोनों सूट होते हैं। तो आपके स्किन के अकॉर्डिंग जो आपको सूट होता है उससे आप अपने फेस को क्लीन करो, नेक एरिया और फेस को अच्छे से आप क्लीन कर लो फिंगर टिप्स की हेल्प से। सो सेकेंड स्टेप में आपको लेनी है स्टीम, जो कि आपको संभल के लेनी है, बिल्कुल पास से नहीं लेनी है, दूर से लेनी है, ताकि जो स्टीम है वो आपके फेस पे लगे। और स्टीम से हमारे फेस पे जो भी पोर्स वगैरह होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और ईजी हो जाता है। तो देख सकते हो आफ्टर स्टीम कितना अच्छा लग रहा है फेस। तो जिसके भी ब्लैकहेड्स हैं नोज़ पे या कहीं भी एरिया में, वो आप रिमूव कर सकते हो। थर्ड स्टेप में हमें बनाना है एक्सफोलिएशन के लिए स्क्रब। तो स्क्रब हम DIY बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए कॉफ़ी, जो कि किचन में इजीली अवेलेबल होती होती है, और कोकोनट ऑयल, ये भी घर में अवेलेबल होता ही है। तो इन दोनों को मिक्स करके हम बनाएंगे DIY स्क्रब एक्सफोलिएशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जो कॉम्बिनेशन है कॉफ़ी एंड कोकोनट ऑयल का, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारी स्किन के लिए। कॉफ़ी अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये बेस्ट एक्सफोलिएटर भी है, और इसमें फैटी एसिड भी होता है। तो हमारी स्किन पे ये डेड स्किन भी रिमूव कर देता है, टैन भी रिमूव कर देता है, हमारी स्किन पे जो रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइन्स होते हैं, उनको भी ये रिमूव कर देता है, और हमारी स्किन को इवन टोन पहुँचाता है और ये ब्राइटनिंग बना देता है। वाइल जो कोकोनट ऑयल है उससे हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो भी हमारे फेस को हाइड्रेशन पहुँचाता है, और जो ड्राई स्किन प्रॉब्लम्स होती है उसको भी वो बैलेंस करता है। तो इस स्क्रब को आप अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करें और स्क्रब करें। आफ्टर स्क्रबिंग आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर के साथ। तो देख सकते हो आप मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ गया है अभी से ही। इसके बाद हमें बनाना है होममेड फेस मास्क, जो कि बहुत इजीली बन जाएगा। ये जो इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ ये भी घर पे अवेलेबल होते हैं सबके। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमें लेना है ग्राम फ्लोर, और इसमें थोड़ी सी टर्मरिक डालनी है, और 2 टेबलस्पून मिल्क डाल के हमारा फेस पैक रेडी है। तो यहाँ पर हमारा फेस मास्क रेडी हो चुका है, इसको मिक्स कर लो अच्छे से। देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ गया है।
और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते, तो ये फेस पे इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं। बिकॉज़ ये हम न्यू बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं एकदम, और अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो इसका ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हो कि इतना अच्छा कलर आ चुका है फेस पैक का इसका। तो इसे आपको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। इस फेस मास्क को लगाने से आपकी स्किन एकदम ब्राइट हो जाएगी। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, सूदिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये जो भी इंग्रेडिएंट है नेचुरल है और इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं। टर्मरिक हमारे स्किन से एक्ने रिमूव करता है, और जो मिल्क और ग्राम फ्लोर है उससे हमारे स्किन को एक रेडियंट स्किन मिलती है, और उससे बहुत ज़्यादा फेस हमारा ग्लोई लगता है। इस फेस पैक से आपके ओवरऑल जो भी आपको प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम, वो रिमूव हो सकती है। और इसको आप अच्छे से अप्लाई कर लो, देन वेट करो 15 मिनट जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, और उसके बाद आप इसको फेस वॉश कर लो आफ्टर 15 मिनट। तो देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोई लग रही है। सो लास्ट स्टेप में हमें अपने फेस पे करना है मॉइस्चराइज़र अप्लाई। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि एलोवेरा जेल, और आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपको सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके स्किन को अच्छे से हाइड्रेशन मिल जाए। और देख सकते हो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। और ये 5 स्टेप थे जो आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो अच्छे से अपनी स्किन को ग्लोई बनाने के लिए, अच्छे से अपनी स्किन की केयर करने के लिए। तो ये 5 सिंपल स्टेप्स है जिससे आपको अपनी स्किन की हर प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है, और ये आप अपने घर पे बैठ के आराम से कर सकते हो। ना आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, तो आपको बस थोड़ा सा स्किन केयर पर ध्यान देना होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।